चुनाव के पांचवें चरण के मतदान के आंकड़े हैरान कर रहे हैं, खास तौर पर बीजेपी को। 6 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेशों की जिन 49 सीटों पर वोटिंग हुई उसमें से 2019 में बीजेपी को 32 और उसके सहयोगियों ने 9 सीट जीती थी। और इस बार वोटिंग के जो आंकड़े सामने आए हैं वो बीजेपी को डराते दिखाई दे रही है। पांचवें चरण में 60% वोटिंग भी नहीं हो पाई है। 5 चरणों में ऐसा पहली बार हुआ है कि वोटिंग का आंकड़ा शाम 7 बजे के बाद भी 60% के नीचे रह गया है। 5वें चरण में सबसे ज्यादा 76% वोटिंग पश्चिम बंगाल में हुई है। इसके बाद लद्दाख में 70, झारखंड में 65, उड़ीसा में 63% वोटिंग हुई है, यूपी में 58, जम्मू कश्मीर में 57 और बिहार में 55% वोट डाले गए हैं। सबसे कम वोटिंग महाराष्ट्र में 51% रही है। वोटिंग के आंकड़ों को देखकर बीजेपी चिंता में दिखाई दे रही है, क्योंकि ये पहले से ही माना जा रहा था कि उसे इस राउंड में सबसे ज्यादा नुकसान होगा, इसलिए पार्टी ने वोटिंग प्रतिशत को बढ़ाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी थी। लेकिन वोटिंग और भी ज्यादा कम हो गई, खास तौर पर बीजेपी के मजबूत गढ़ में कम वोट पार्टी के खिलाफ जाता दिखाई दे रहा है। यूपी की लखनऊ सीट पर जहां से केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह उम्मीदवार हैं, वहां सिर्फ 52% वोट पड़े हैं, जिसके बाद कहा जा रहा है कि राजनाथ मुश्किल में फंस गए हैं। जबकि राहुल गांधी की रायबरेली सीट पर 60% वोटिंग हुई है। 5वें चरण की वोटिंग के बाद इंडिया गठबंधन ने बड़ी जीत का दावा किया है।